नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जॉन लॉक के थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जो उन्होंने क्रांति का सिद्धांत दिया है उसे डिस्कस करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सीरीज को कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी गाड़ी जॉन लॉक तक पहुंच चुकी है। इनका जो पहले का लेक्चर है, ये तीन लेक्चर हमने डिस्कस किया है, उनको जरूर जाकर विजिट करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले इस लेक्चर को समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही शुरू करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट में आपको, अगर आपने पहले लेक्चर को देखा तब तो आपको डिटेल आइडिया होगा, पर जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहला जो संहिता होता है, एग्रीमेंट होता है, वह लोग आपस में करते हैं जिससे वह सिविल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और दूसरा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वह सरकार के साथ किया जाता है, मतलब जो सरकार है, गवर्नमेंट है, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात जो राज्य है वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। वहीं थॉमस हॉब्स के थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जो लेवियथन था, दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर लेवियथन वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए लेवियथन जिम्मेवार नहीं था किसी चीज के लिए, मात्र एक चीज को छोड़कर, दैट वाज राइट टू लाइफ। तो आप थॉमस हॉब्स के लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो सरकार है, जो कि राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है, उस सरकार को बनाया किसने? जनता ने बनाया। जो अल्टीमेट पावर थी वह जनता के पास थी और जनता ने अपने शक्तियों को सरकार को सौंप दिया है और सरकार को इस नाते जनता के मुताबिक काम करना है, जनता के सहमति के साथ कार्य करना है। अगर सरकार अगर जनता के बातों का अवहेलना करती है, जनता के अनुसार कार्य नहीं करती, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती, अपने ड्यूटी को फुलफिल नहीं करती, देन द पीपल हैज द राइट टू रिवॉल्ट, तब लोगों के पास अधिकार है कि वह सरकार के खिलाफ क्रांति कर सकते हैं। क्यों सरकार के खिलाफ क्रांति करने का हमें जॉन लॉक अधिकार देते हैं? तो सबसे पहली बात, सरकार को हमने बनाया इसलिए हम सरकार के खिलाफ क्रांति कर सकते हैं। दूसरी बात, जॉन लॉक कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वह रैशनल है, उनमें तार्किक क्षमता है, उनमें तार्किक क्षमता है, कॉन्साइंस अर्थात चेतना है, और मोरालिटी अर्थात नैतिकता है। उन्हें पता है क्या सही है और क्या गलत है, वह राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसीलिए अगर सरकार कोई गलत कार्य करेगी तो वह जान जाएंगे कि सरकार गलत कार्य कर रही है, और चूंकि सरकार को उन्होंने ही बनाया है इसीलिए उनके पास पूर्ण रूप से अधिकार है, राइट है कि वह सरकार को हटा सकते हैं, अबोलिश कर सकते हैं जो सरकार उनके अनुसार काम नहीं करेगी। और यही है राइट टू रिवॉल्ट, जनता को जो है वह क्रांति का अधिकार मिला हुआ है, इस चीज को आपको समझना है। अब दूसरा, जॉन लॉक ये पॉइंट बताते हैं कि जो क्रांति होगी, अर्थात क्रांति का सिंपल सा मतलब है चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, जो पुराना वाला सरकार जो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा आप उसको हटाकर एक नए सरकार को इलेक्ट कर लीजिएगा, निर्वाचित कर लीजिएगा उसको। तो क्रांति का देखिए मतलब होता है चेंज इन द सोसाइटी, मतलब समाज में बदलाव, ठीक है। और बदलाव कैसा होगा? तो बदलाव होता है ड्रास्टिक, बदलाव होता है रिवोल्यूशनरी, बदलाव होता है मतलब अचानक से एक बड़ा बदलाव जो होता है उसको क्रांति कहते हैं। क्रांति का ये मतलब नहीं होता है कि लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ दिया मार के, ये क्रांति का बिल्कुल मतलब नहीं होता। क्योंकि जब हम क्रांति सुनते हैं हमारे दिमाग में हिंसा आती है, बट हिंसा और क्रांति जो है दूसरे से काफी अलग है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए जॉन लॉक कहते हैं कि जो क्रांति होगी वह पीसफुल होगी, वह क्रांति शांतिपूर्ण होनी चाहिए। अब शांतिपूर्ण क्रांति कैसे होगी? तो शांतिपूर्ण क्रांति इसलिए होगी क्योंकि लोगों के पास तर्क क्षमता है, लोगों के पास चेतना है, लोगों के पास नैतिकता है, इसीलिए वह कभी हिंसा का सहारा नहीं लेंगे और उनके द्वारा जो क्रांति होगी वह हमेशा शांतिपूर्ण क्रांति होगी। दैट वुड बी द पीसफुल रेवोल्यूशन, ओके, विच वुड बी अल्टीमेटली टारगेटेड टू चेंज द गवर्नमेंट। तो यही चीज जॉन लॉक के थ्योरी में है। तो यही चीज मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास रीजन होता है, कॉन्साइंस होता है, मोरालिटी होती है, उनके पास एबिलिटी होती है कि वह सही गलत में फर्क कर सके। साथ ही साथ सरकार को लोगों ने ही क्रिएट किया है, बनाया है, इसीलिए सरकार जो है उनके टुवर्ड्स जिम्मेवार है, उनके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए लॉक आर्ग्यू करते हैं कि जो सरकार है उसे हमेशा लोगों के
सहमति से कार्य करना चाहिए और कानून के हिसाब से कार्य करना चाहिए। अगर जो गवर्नमेंट है अगर वह कानून के खिलाफ कार्य करती है, अगर कानूनों का अवहेलना करती है और अगर जनता के हिसाब से कार्य नहीं करती, तब लोगों के पास अधिकार है, राइट टू रिवॉल्ट, लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। और इस तरह का एक रिवॉल्ट हुआ था आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1988 में। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, एक तरह से जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, रक्तहीन क्रांति हुई थी 1688 की, गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, उसे भी जस्टिफाई करने के लिए जो जॉन लॉक है वह हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। लेक्चर वन देखिए, आपको डिटेल में समझ पाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरा कंडीशन है रेवोल्यूशन का कि रेवोल्यूशन जो है वह वायलेंट नहीं होगा, रेवोल्यूशन जो होगा वह पीसफुल चेंज होगा। पीसफुल चेंज इसलिए होगा क्योंकि लोगों के पास तर्क क्षमता है, लोग जो है रैशनल क्रिएचर है, इसीलिए वह हिंसा को वॉइड जो है अवॉइड करेंगे और हमेशा पीसफुल चेंज को फेवर करेंगे, उसको एडवोकेट करेंगे। अब किन किन कंडीशंस में जो नागरिक है वह सरकार के खिलाफ रेवोल्यूशन कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं, तो जॉन लॉक चार ऐसी कंडीशंस बताते हैं जब सरकार के खिलाफ क्रांति की जा सकती है। आप इसे कंपेयर कीजिएगा, अगर सरकार लोगों के अनुसार कार्य ना करे, अगर उनके सहमति से अगर कार्य ना करे तो सरकार के खिलाफ हम रिवॉल्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। अगर जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो कार्यपालिका है, अगर वह लेजिस्लेचर को अर्थात विधायिका को अगर सही से फंक्शन नहीं करने देती तो उस टाइम में हम रिवॉल्ट कर सकते हैं सरकार के खिलाफ अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। कि अगर जो आपका गवर्नमेंट है, कुल मिलाकर हम आम भाषा में कहते हैं जैसे आज हमारे यहाँ कैबिनेट है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर ये अगर हमारे संसद को अगर कार्य नहीं करने दे रहे हैं सही से, तो फिर हमारे पास अधिकार है कि हम सरकार के खिलाफ रिवॉल्ट कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। उसके बाद अगर जो सरकार है, मतलब एग्जीक्यूटिव सरकार, आम भाषा में एग्जीक्यूटिव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोदी सरकार, है ना, पर जब सरकार की अगर हम पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं तो सरकार में तीनों आ जाती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, मतलब मोदी सरकार, कुल मिला के समझने के लिए हम समझ सकते हैं, अगर वो अगर लेजिस्लेचर के द्वारा अर्थात पार्लियामेंट के अगर कानूनों के हिसाब से कार्य नहीं करेगी तो हम उसके खिलाफ रिवॉल्ट कर सकते हैं। जॉन लॉक ने यही समझाने की कोशिश की है कि अगर एग्जीक्यूटिव, अगर कार्यपालिका, अगर विधायिका के बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य नहीं करती तो हम फिर सरकार अर्थात हम कार्यपालिका के खिलाफ क्रांति कर सकते हैं, और अगर जो कार्यपालिका है अर्थात दूसरे शब्दों में सरकार, आम भाषा में हम उसी के लिए प्रयोग करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वह अगर लोगों को फॉरेन रूल में डाले, अगर वह अगर देश को बेचना शुरू कर दे, सब चीज को प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दे, सब चीज को बेच दे, तो फिर हम उसके खिलाफ क्रांति कर सकते हैं। काफी रिलेटेबल लग रहा है नहीं चारों पॉइंट, लगता है कि भारत में भी क्रांति की आवश्यकता है क्योंकि लेजिस्लेचर सही से कार्य कर रहा है, पता नहीं वो मैं आपके रीजन पे छोड़ देता हूँ। फिर एग्जीक्यूटिव जो है सरकार के, जो विधायिका है उसके कानूनों के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं, ये भी काफी क्वेश्चनेबल हमको देख के लगता है। और साथ ही साथ हमें सरकार फॉरेन रूल में डाल रही है कि नहीं डाल रही है वो भी आप खुद डिसाइड करें, पर काफी रिलेवेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, राइट। तो ये तो आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर ये ऐसी चार कंडीशंस अगर उत्पन्न होंगी तो फिर जनता के पास अधिकार है कि वह सरकार के खिलाफ क्रांति कर सके। आगे ये भी जॉन लॉक कहते हैं कि जो सरकार कानून बनाएगी उसका एक ही कार्य है, फ्रीडम्स को इनलार्ज करना, अर्थात अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना लोगों को। साथ ही साथ अंतिम में जॉन लॉक ये भी कहते हैं कि जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वह हाउस होल्डर्स की तरह होते हैं, मतलब वह मकान मालिक की तरह होते हैं जो कि एक नाइट वॉचमैन को नौकरी पर रखता है, एक गार्ड को जो रात में पहरा देता है, और ये नाइट वॉचमैन कुछ भी नहीं बल्कि स्टेट है, सरकार है, गवर्नमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज नथिंग बट द नाइट वॉचमैन, और मालिक कौन है, मालिक जो घर का मालिक है वही मालिक हो गया, है ना, मतलब नागरिक है वही मालिक है, और नागरिक ने नाइट वॉचमैन को रखा है, गार्ड को रखा है अपने हाउस को पहरा देने के लिए। अब ये जो
हाउस होल्डर जो रहता है, जो मकान मालिक होता है, हमेशा देखते रहता है कि हमारा नाइटमैन जो नाइट वॉचमैन है वह सही से काम तो कर रहा है, कहीं हमें चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं अपनी ड्यूटी को उल्टा सीधा तो नहीं परफॉर्म कर रहा है, सही से ड्यूटी कर तो रहा है। अगर हाउस होल्डर पाएगा, अगर मकान मालिक पाएगा कि नहीं हमने जो गार्ड को रखा है ये तो भाई नौकरी के लायक ही नहीं है, तो क्या करेगा फिर हाउस होल्डर? फायर करेगा, उसे उसे हटा देगा। उसी तरह से हमारे पास अधिकार है, हम जो जनता है उसी मालिक के तरह है, उसी मकान मालिक के तरह, और जो हमारी सरकार है वह उसी नाइट वॉचमैन की तरह है, गार्ड की तरह है, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सरकार को देखें कि सरकार सही से कार्य कर रही कि नहीं। और अगर सरकार अगर कार्य नहीं कर रही है, अगर अच्छे से नाइट वॉचमैन का ड्यूटी नहीं अगर परफॉर्म कर रही है, then we have the right to revolt against the government according to John Locke। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है वह समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं गूगल पे या फोन पे के माध्यम से अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, और जो लिंक है नोट्स के वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको सारे नोट्स जॉन लॉक से रिलेटेड मिल जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।